Hello everyone, welcome back to my channel. You are watching Makeup Artist Rupak Shaini. आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ इस लुक को. आज मैं जिस जिस प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो सभी मीडियम रेंज का प्रोडक्ट होगा. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस लुक को देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट मॉइस्चराइजिंग में मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम की फेशियल ऑयल. ड्राई स्किन बालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक मॉइस्चराइज़र है. इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ बहुत ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, तो कहीं पर भी स्किप मत करना. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ PSC का प्राइम प्लस फिक्सिंग स्प्रे. इस स्प्रे से आप प्राइम भी कर सकते हो स्किन को और मेकअप को फिक्स भी कर सकते हो. नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ NYX का एक स्टोप क्रीम. अगर किसी को स्वेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये वाला जो स्टोप क्रीम है वो ना ही यूज़ करे तो अच्छा है. NYX का स्टोप क्रीम मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ ऑयली स्किन वालों को. स्टोप क्रीम लगाने से मेकअप बहुत ही ज़्यादा ग्लो करते हैं मेकअप कंप्लीट होने के बाद. कंसीलिंग एंड फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायलॉन की सुप्रा कलर. शेड है 27 फॉर कंसीलिंग. किसी जगह पर मेरे फेस में प्रॉब्लम्स है, कोई डार्क सर्कल हो या कोई दाग धब्बे हो, उस जगह पर मैं कंसीलिंग कर लूँगी. कंसीलर हमेशा अपनी स्किन टोन से एक या दो शेड डाउन लेना चाहिए, एक या दो शेड डार्क लेना चाहिए. अगर आप फेयर ले लेते हो अपनी स्किन टोन से तब आपका जो डार्क सर्कल है या फिर कोई दाग है वो नहीं कवर होगा. फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ FS 45 जो है मेरी फाउंडेशन की शेड. यहाँ पर मैं आई मैजिक की ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ. आई मैजिक की जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग देती है आपकी फाउंडेशन को और ये बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी है. थोड़ा थोड़ा करके मैं फाउंडेशन को लेकर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. फाउंडेशन को थोड़ा सा टाइम लेकर ब्लेंड करना चाहिए. आप जितना अच्छे से ब्लेंड करोगे मेकअप का फिनिशिंग भी उतना ही अच्छा आएगा. पाउडर में ले रही हूँ PSC का स्टूडियो फिनिश कॉम्पैक्ट पाउडर. अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप सादा पाउडर यूज़ करिए, अगर आपका स्किन ड्राई है तो थोड़ा सा कम यूज़ करिए. पूरी फेस में मैं इस पाउडर को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. फाउंडेशन की शेड से ही मैं मेरे आईब्रो को अच्छे से शेप कर लूँगी एक कंसीलर ब्रश की मदद से. आई बेस भी कंप्लीट कर लूँगी अच्छे से. एक अच्छे आई शेडो करने के लिए पहले अच्छे से आई बेस कंप्लीट करना पड़ता है. शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यू कैन बी का प्रिटी ऑल सेट. तो सबसे पहले मैंने ले लिया है दो कलर, एक है रेड और एक है ऑरेंज. दोनों कलर को मैं अच्छे से मिक्स करके अप्लाई कर लूँगी. इसको मैं क्रीज लाइन पर रख के अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी हाफ सर्कल करके. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक मेजेंडा कलर. मेजेंडा कलर को आउटर कॉर्नर पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. उसके बाद उसको उधर ही अच्छे से ब्लेंड करके थोड़ा सा फेड कर दूंगी. आउटर कॉर्नर पर जो मेजेंडा कलर दिया था उस मेजेंडा कलर को और पहले जो रेड और ऑरेंज कलर यूज़ किया था दोनों को अच्छे से एक साथ ब्लेंड कर दूंगी. ऑरेंज कलर अप्लाई कर लूंगी लोअर लैश लाइन पर. ऑरेंज
आउटर कॉर्नर पर यूज कर लूंगी थोड़ा सा ब्लैक कलर। इस शिमर कलर को यूज़ कर लूँगी आईलिड पर और उसको आउटर कॉर्नर का जो ब्लैक कलर है उसके साथ ही अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अब ले लूँगी थोड़ा सा व्हाइट आई शेडो। इस आई शेडो को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी इनर कॉर्नर पर। अब यूज कर लूंगी लैक्मी की आई लाइनर। इस लाइनर को इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक ही रखूंगी। मॉर्फी 39A पैलेट से मैं कर लूंगी अपनी कॉन्ट्रोरिंग। लिपस्टिक मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का सुपर स्टे, शेड है अमेजोनियन। मस्कारा यूज कर लूंगी मेबलिन की। प्रिटी ऑल सेट की जो आई शेडो पैलेट मैंने यूज़ किया था उससे मैं ब्लशर भी यूज़ कर लूँगी। उसकी ब्लश और कॉन्टोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यू कैन बी प्रिटी ऑल सेट आई शेडो पैलेट में ब्लशर भी है, कॉन्टोर भी है और हाइलाइटर भी है। के लिए मैं ले रही हूँ मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर, शेड है मोल्टन गोल्ड। इसे हाइलाइट कर लूंगी मेरे फेस की हाई पॉइंट्स। सेम हाइलाइटर से ही मेरी आई भी हाइलाइट कर लूँगी, इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी और ब्रो बोन पर अप्लाई कर लूँगी। एकदम लास्ट में मैं यूज़ कर रही हूँ PSC का माइक्रोफिनिश मेकअप फिक्सर, जो एक बहुत ही अच्छा फिक्सर है। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की ये मेकअप लुक? इस लुक को आप किसी भी ओकेशन पर्पज़ कैरी कर सकते हो। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।
और प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरी चैनल अभी नया है तो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। और सब्सक्राइब बटन के पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी क्लिक कर देना। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। कैरी कर सकते।